स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीबीएम क्यू स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ झारखंड हिस्ट्री सेमेस्टर 3 का, जिसका नेम है कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन झारखंड, जो कि सेकंड टॉपिक है आई थिंक सो। हाँ, सेकंड ही टॉपिक था कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन झारखंड सेमेस्टर 3 में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। और इससे सिर्फ ना ही क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स वाला, बल्कि इससे MCQ भी आते हैं। सो मैं आपको ब्रीफ में इसे लिख कर लाई हूँ, ब्रीफ में समझा दूंगी। और इसका जो PDF है, जो कि आई थिंक सो 6-7 पेजेस होगा, जो मेरा हैंड रिटन PDF है, वो मैं अपलोड कर दूंगी। बिकॉज गाइज, मैंने भी सेमेस्टर 3 दिया था और मुझे उस टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ना, बिकॉज कहीं भी नोट्स अवेलेबल ही नहीं था। यहाँ तक कि मैंने टीचर्स से भी कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने क्या कहा कि आप खुद ही कन्वर्ट करो, ऐसा तो कुछ नोट्स ही नहीं है जो मिलेगा आपको, ना बुक है ना कुछ है। तो फिर मेरा तो हालत ख़राब हो गया था, लेकिन फिर जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखकर कन्वर्ट किया। तो मैं नहीं चाहती आप लोगों को भी दिक्कत हो, इसलिए मैं आपको वीडियो में समझा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और PDF अपलोड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और आई कैन गारंटी यू कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो देखो भाई 16 में 16 तो कभी देने वाला ही नहीं। आप कुछ भी लिख दो, आप पर्वत जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन नोट्स लेकर आओ, कुछ नहीं देगा 16 में 16, देगा ही नहीं आपको एग्जामिनर। तो 16 में एटलीस्ट 12 वो दे दे, हमारा ये कोशिश रहेगा। तो 12th ऑफकोर्स मिल जाएगा आपको। चलो, कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन झारखंड। तो एंट्री स्टार्ट होता है 1767 से, जब मुगल एम्परर शाह आलम टू क्या करते हैं, दीवानी राइट बंगाल, बिहार और झारखंड की ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। तो एंट्री 1767 से स्टार्ट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि पहला जगह जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंटर किया था झारखंड में, पहला प्लेस, तो वो था सिंहभूम रीजन। कौन सा? सिंहभूम वो पहला प्लेस था। इससे MCQ तो एक आता ही है, पक्का आएगा, बिकॉज मैंने भी सेमेस्टर 3 दिया है और ज़्यादा दिन हो नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने झारखंड में कहाँ एंटर किया था। तो द रीज़न वॉज सिंहभूम। सिंहभूम तीन पार्ट में डिवाइड था, पहला था धलभूम ऑफ धल रूलर्स, पोरहट ऑफ सिंह रूलर्स और कोल्हन ऑफ फोर ट्राइब। तो पहला आता है धलभूम रीजन। तो 1767 ने क्या किया, फर्गुसन ने अटैक किया सिंहभूम में, बिकॉज ब्रिटिशर्स की हमेशा से ये पॉलिसी थी कि क्या करना है, सब जगह एनेक्स करना है, जैसे तैसे हो एनेक्स करो और करो और वहां से प्रॉफिट लो। उनका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। तो 1767 में क्या हुआ, फर्गुसन अटैक किया सिंहभूम में, और सिंहभूम के जो धलभूम के रूलर थे, धलभूम के रूलर, उन्हें हरा दिया जंबानी में। फिर नेफ्यू, उनके जो नेफ्यू थे, मतलब नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, भतीजा को क्या कर दिया गया, जगन्नाथ दल को किंग बना दिया गया, जिसने एग्री किया कि वो 5,500 एनुअल ट्रिब्यूट पे करेगा ब्रिटिशर्स को, और उसके चलते उसको किंग बना दिया गया। फिर क्या हुआ, धल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जगन्नाथ दल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज से। इसके चलते उन्हें 1768 में धल रिवोल्ट स्टार्ट किया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फॉर दी ऑब्जेक्टिव पर्पज़, कि 1768 में धल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना, डेट याद रखना, कब स्टार्ट हुआ था धल रिवोल्ट और किसने स्टार्ट किया था, जगन्नाथ धल ने किया था। देन इसी तरह चलता रहा और लास्ट में उन्होंने एनेक्स ही कर लिया। देन आता है पोरहट रीजन। पोरहट कंपनी स्टार्ट इंटरवेंशन कब किया, 1773 में अपना इंटरवेंशन पोरहट रीजन में स्टार्ट किया। वहाँ ख़त्म हुआ गाइस, अब वो लोग यहाँ आ गए कि चलो अब इसे भी लेना है। तो कैप्टन फोरविस का क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ उन्होंने पोरहट के रूलर्स को बोला कि आपको क्या करना है, कोई भी शेल्टर प्रोवाइड नहीं करना है कोई भी ट्रेडर को। मैंने यहाँ गलती से रूलर्स लिख दिया है, यहाँ पे होगा ट्रेडर्स। यहाँ होगा आपका ट्रेडर्स। ट्रेडर को, किसी भी ट्रेडर को शेल्टर प्रोवाइड नहीं करना है। तो उसने एग्री किया, बट क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने बाद में क्या किया, पोरहट रीजन को जाकर के एनेक्स कर लिया। उसके बाद आता है आपका, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ मेनली, क्योंकि आपको याद रहे एटलीस्ट, क्योंकि कुछ कुछ याद रहता है ना, पॉइंट्स हम उसे बड़ा करके लिख सकते हैं, बट अगर आप ज़्यादा माइंड में रखोगे तब कुछ भी याद नहीं रहेगा, बाद में जाकर दिक्कत होगा। तो माइंड में जितना, देखो जितना कैपेसिटी है उतना रखो, ठीक है, बाद में वहाँ जाकर एग्जाम में खुद थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं हम लोग, बिकॉज इतना तो पता रहता है कि ये है तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ दो लाइन चार लाइन भर देंगे तो मार्क्स तो मिल ही जाता है, उतना तो पढ़ता नहीं एग्जाम में। बट हाँ, थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको कि क्या क्या नेम था। मान लो आप पोरहट रीजन इस तरह करके अगर देते हो अपना, जो भी आपका रहता है हेडिंग, तो आप जब हेडिंग वो देखेगा तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपको आता है, आपने उसके अंदर सही लिखा होगा, क्योंकि यही मतलब ये देख कर, तो टाइम किसी के पास नहीं होता है कि हर एक वर्ड पढ़े, एक लाइन पढ़े। तो ये टॉपिक मेनली जो आप हेडिंग देते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हेडिंग जो देते हो उसे याद में रखो, पोरहट रीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा डेट से याद कर लो। फिर आता है कोल्हन रीजन। 1820 में क्या हुआ, मेजर रफसेस इंटर कोल्हन इन अ बैटल वॉज फॉट एट टोरो रिवर। कहाँ पर फॉट हुआ, एट टोरो रिवर पे, कोल्हन एरिया में बट बैटल फॉट हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स विक्टोरियस हो गए। मेनली जो कोल्हन था वो हो ट्राइब वहाँ रहा करते थे, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे, एज वी कैन से कि उन्हें मराठा या फिर राजपूत कोई भी हरा नहीं पाया था।
बट ब्रिटिशर्स ने उन्हें हरा दिया। और 1831-1832 में इसके चलते ही कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, शायद सेमेस्टर थ्री में ही था या टू में था, कोल रिवोल्ट के बारे में टू में नहीं था, थ्री में था, सेमेस्टर थ्री में कोल रिवोल्ट के बारे में। अच्छा मैं अभी उसके लिए भी एक टॉपिक अलग से आपको डाल दूंगी, क्योंकि मैं सबका मेनली ना, मेरा देखो क्या फंडा है, मैं कभी गेस्ट पेपर नहीं लेती, मैं हमेशा अपने खुद से नोट्स बनाती हूँ, जो भी मुझे एग्जाम में लिखना है मैं खुद से 4-5-6-7-8 पेज का बनाती हूँ, जितना मुझे लगता है कि लिखना चाहिए, और मैं उसी को रट करके जाती हूँ, पढ़ करके समझ के जो करना है रट लेती हूँ। तो आप भी यही करा करो, गेस्ट पेपर वाला तो मुझे टेक्निक एकदम सही नहीं लगता, और मेनली गेस्ट पेपर का एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा हिंदी में अवेलेबल रहता है, वाई नॉट इंग्लिश, भाई तुम इंग्लिश में भी दे दो, हम तो इंग्लिश में भी बहुत बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो ना, उनका दिक्कत है कि वो हमेशा इंग्लिश में ही प्रिंट करेंगे, तो जिसके चलते एक प्रॉब्लम हो जाती है। और जब कन्वर्ट करना ही होगा उसे इंग्लिश में, तो क्यों ना हम अपना ही खुद नोट्स करेंगे जिससे हम बाद में समझ पाएं। देन आता है आपका, देखो अब सिंघू में इंटर कर गए, अब उसके बाद भी उनकी ग्रीड खत्म नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया पलामू में अपना आइस सेट कर लिया, मतलब पलामू भी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू टेक पलामू फोर्ट फ्रॉम जगन्नाथ से जयनाथ सिंह द रूलर, तो ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, पलामू फोर्ट चाहिए था जयनाथ रूलर से, लेकिन जयनाथ ने मना कर दिया। तो क्या क्या कैमेक ने स्टार्ट किया अपना मार्च पलामू के और जैन 1771 में उसने स्टार्ट किया, और 21 मार्च 1771 AD में उसने पलामू को भी अपने, मतलब फोर्ट को भी अपने अंदर ले लिया, मतलब पलामू को भी एनेक्स कर ही लिया लगभग। तो ये हम देखते हैं इतना ही था, और बाकी मैं ये तो कुछ बहुत ज़्यादा ही कम है, बिकॉज मैंने थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया है, और बाकी जो भी PDF होगा मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, आप देख कर उसे समझ सकते हैं, और वो पूरा पूरी लिख के आ जाना गाइज, मैं आपको गारंटी देती हूँ 16 मार्क्स में आपका 12-13 ऑफकोर्स आ जाएगा, एग्जामिनर कहीं काट ही नहीं सकता है। और जो मैं PDF डालूंगी, अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एग्ज़ाम टाइम जो मैं लिखती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में होता है, इसलिए गाइडिंग मेरी गंदी हो जाती है, और उतना ज़्यादा 6-6 पेज का भी लिखने का मूड नहीं है मुझे। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और कल होली है, सो हैप्पी होली इन एडवांस। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप सबको, मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मुझे सब्सक्रिप्शन की भी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। थैंक यू।